हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे फोर्ड फिगो के बारे में। तो ये इस कार में जो प्रॉब्लम है वो पिकअप की है, और ये जो लाइट दिख रही है आपको, ये बिलिंग हो रही है। तो उसका हम फॉल्ट आज सबसे पहले स्कैन करेंगे कार को, और उसका फॉल्ट चेक करेंगे क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले आपको कार स्टार्ट करके बता देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कार की स्टार्टिंग वगैरह सब एकदम परफेक्ट है, ठीक है, स्टार्टिंग भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं स्टार्टिंग में। केवल ये जो लाइट है बिलिंग हो रही है, और कार एक्सीलेटर में पूरा प्रेस करता हूँ तो कार का जो आरपीएम है वो कम से कम 3000 से ऊपर नहीं जा रहा है। कार में पिकअप भी कम है, चला कर ही मैंने कार को चेक किया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद देखते हैं क्या फॉल्ट आ रहा है इसमें, ठीक है। तो उसको सबसे पहले स्कैन करेंगे। तो यह है हमारा OBD लॉन्च स्कैनर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्कैनर ऑन हो चुका है, तो उसको हम करेंगे कनेक्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटेलिजेंट डायग्नोसिस में जाएंगे, ऑटोमेटिक पूरा कार वगैरह सब कुछ डिटेक्ट करके हमें कार शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है व्हीकल इंफॉर्मेशन, 2015 मॉडल कार है, मेक एंड फोर्ड, मॉडल इसमें नहीं है, इंजन नंबर नहीं है, साइज और भी नंबर इसमें आ गया है। तो हम जाएंगे यहाँ पर डायग्नोसिस, ठीक है। तो हमें इग्निशन ऑन रखना है, तो इग्निशन ऑन का ये जो पॉपअप आ चुका है कि इग्निशन ऑन रखना है, ओके, हमारा इग्निशन ऑन है। तो अभी यहाँ पे दो कार आ रही हैं, फिगो एंड फिगो फिएस्टा एंड आइकॉन। तो हमें फिगो है तो फिगो में सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, केवल हमें सिस्टम सिलेक्शन में जाके PCM में चेक करना है क्या फॉल्ट है, क्योंकि अगर हेल्थ रिपोर्ट चेक करें तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो हमें डायरेक्ट ECM में चेक करना है। तो सारे फॉल्ट हम चेक करने के बाद, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कार की अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम या पिकअप प्रॉब्लम या कार स्टार्ट ना हो तो उसके बाद हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम इसका फ्यूज़ चेक करेंगे, उसके बाद इसका रिले चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद फॉल्ट के हिसाब से कार को चेक करेंगे क्या फॉल्ट है, किस तरीके से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फीड फॉल्ट कोड अभी हमें करना होगा, की ऑन की ऑफ इंजन, ऑन डायग्नोस्टिक सेल्फ टेस्ट, ऑन डिमांड सेल्फ टेस्ट, ओके, कि तो सारे कोड या भी एक साथ में शो करेगा। तो अभी बहुत सारे फॉल्ट आ चुके हैं, तो इसको अभी हम करेंगे क्लियर, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी बाहर निकालने से भी इसके इतने सारे फॉल्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्लियर करके दोबारा से चेक करेंगे इसको, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या वो लास्ट का जो फोल्ड रुक रहा है वो क्या है। ठीक है, तो इसमें आ रहा है ग्लो प्लग कंट्रोल सर्किट एरर, इसको भी क्लियर करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला फॉल्ट कोड इसका एरर, ये जो एरर है वो इरेज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें इसका पहले चेक करने को क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें लिखा है ऑन डिमांड ETC P0380 डिस्क्रिप्शन ग्लो प्लग कंट्रोल सर्किट, हेल्प इंफॉर्मेशन है इसकी ग्लो प्लग कंट्रोल सर्किट, यानी कि जो ईटर प्लग की जो वायरिंग है उस चेक करना है। DTC मे बी कॉज बाय ओपन सर्किट, या तो उसके सर्किट खुले हुए हैं या कटे हुए हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड और बैटरी, यानी बैटरी से ग्लो प्लग मॉड्यूल तक जो ग्राउंड जाता है, या तो वो शॉर्ट है कहीं, या ग्लो प्लग कोई एक ख़राब है, या ग्लो प्लग की रिले ख़राब है, ठीक है।
तो हमें ये सारी चीज़ें चेक करना है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सारे फ्यूज़ चेक कर लेंगे जो कि इधर लगे हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमें एक साथ सारे फ्यूज़ चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये हमने किया हुकअप इसको ग्राउंड में, अभी हम करेंगे सारे फ्यूजेस एक सिंगल से सारे चेक करेंगे। लगभग इसके सारे फ्यूजेस सही लग रहे हैं मुझे। कुछ फ्यूज़ में लाइट नहीं है, जिसमें कि हेड लैम्प, पार्किंग लैम्प, इनके फ्यूजेस फ्यूज़ भी होते हैं इसके, तो केवल बटन ऑन होने पर ही जलेंगे। तो इसके सारे फ्यूज सही हैं के, तो इधर अपना सब कुछ सिस्टम सही है, तो उसका हम जाएंगे अब इंजन रूम में, उससे करेंगे रिले चेक। तो ये हम आ चुके हैं इंजन रूम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो रिले का जो बॉक्स लगा हुआ है, इसमें रिले चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चार रिले लगी हुई हैं, तो इनमें से एक ग्लू प्लग मॉड्यूल है, एक हमारा फैन का रिले है, एक एसी कंप्रेसर का रिले है। ठीक है, ये चार रिले लगी हुई हैं, तो इनमें से हमें एक एक करके सारे रिले पे वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें लगाना है हमको देखना है ये रिले, इस पर वोल्ट आ रहा है। ठीक है, इस पर भी आ रहा है, इस पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ रहा है वोल्टेज, तो अभी हमें इसमें फॉल्ट बता देता हूँ। इस पर फॉल्ट तो मैंने पहले से ही चेक कर लिया था। तो इसमें ये जो दो रिले हैं, एक ये एक ये, तो ये वाली जो रिले है वो हमारी है ग्लो प्लग की, इसमें होती है 5 पिन, इसमें होती है 4 पिन। तो ये कार मेरे पास आई थी एसी के पर्पज़ से, किसी मैकेनिक ने इसमें एसी के पर्पज़ से काम किया था, तो इसमें एसी कंप्रेसर रिले वगैरह सारी कुछ चेक किए, तो इसका रिले इधर से उधर लगा दिया। तो उसको बताया तो ये वाली जो रिले है वो इधर लगती है, ठीक है, और ये वाली जो रिले है वो लगती है इधर, क्योंकि इसमें एक छोटा सा पॉइंट भी दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है, जब हमारा इग्निशन ऑन होता है सेल्फ लगाने के लिए, सेल्फ लगता है, तो जब ग्लो प्लग काम करता है तो यहाँ से
यहाँ से सिग्नल जाता है ईसीयू के लिए कि ग्लो प्लग ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, उसी उसी पर्पज से वो वहाँ अंदर जो लाइट है उसको शो करता है। अगर ये काम कर रहा होगा तो हमारी जो सर्विस लैंप है वो बिलिंग नहीं होगी और हमारी कार का परफॉर्मेंस भी एकदम अच्छा आएगा, कोई इशू नहीं आएगा कार में, ठीक है। तो अभी मैंने ये रिले इधर से इधर लगा दी, पहले ये इधर लगी हुई थी, ये इधर लगा दी, ठीक है। तो अभी ये हमारा रिले सिस्टम सारा सही है, तो अभी हम इसको दोबारा से स्कैन करेंगे। स्टार्ट पहले नहीं करनी, पहले हम इसको करेंगे स्कैन, ठीक है। तो अभी हम करेंगे उसको स्कैन, तो यह है हमारा, दोबारा से चेक करते हैं इसको, फॉल्ट अभी है या चला गया, तो उसको करेंगे अब रिफ्रेश। ये तो सारे फॉल्ट दोबारा से आ चुके हैं, तो इसको करते हैं क्लियर, क्योंकि हमने इतने सारे फॉल्ट इसलिए आए हैं क्योंकि अभी हमने बाहर से जो सारी रिले निकाली थी, रिले निकाल कर ही हमने वोल्टेज चेक किया है, तो उस वजह से इसमें फॉल्ट आ चुके हैं। तो इसको हम सारे फॉल्ट करते हैं क्लियर दोबारा से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ चुका है देयर इज नो डीटीसी, ओके, ठीक है। तो एक ऑप्शन है इसमें भी हम चेक करते हैं, रिट्राइव CMDTC, ठीक है। यहाँ पर भी नो लिख के आ रहा है, कोई डीटीसी नहीं है। तो अभी हम करते हैं कार को स्टार्ट और चेक करेंगे फॉल्ट है या चला गया, ये हमारी कार पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है नहीं। इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं है। तो अभी मैं कार को करता हूँ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी इसका कोई फॉल्ट इसमें नहीं है, कोई भी लाइट इसमें शो नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो लाइट थी वो बिलिंग हो रही थी पहले, ठीक है। तो अभी मैं कार को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमारी कार हो चुकी है एकदम से परफेक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई फॉल्ट इसमें या फिर मुझसे गलती हुई हो या कोई आपको कुछ ऐसा लग रहा है पूछने वाली बात, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।